हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। देखिए बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आपकी एसपीए की डेट की अनाउंसमेंट हुई है आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के टीयर वन स्टेज वन की डेट के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन वो आज ही आया है और जब ये वेबसाइट पर आ गया था एनटी की, तुरंत ही मैंने इसको शेयर कर दिया था हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में। तो अगर आप टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाया करेगा दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। देखिए अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको मैंने आज से 5-6 दिन पहले ही बता दिया था कि अगर आप लोगों का आपने अगर फॉर्म फिल किया हुआ है एसपीए का, चाहे आपने पीए का किया हो, इसके अलावा चाहे आपने क्लर्क का किया हो, बात कर रहा हूँ मैं एसपीए पीए दिल्ली हाई कोर्ट की और क्लर्क की मैं बात करूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूँ, ठीक है बच्चों। अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है बच्चों की वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट होगी वो आप लोगों की क्लर्क की होगी लेकिन हाई कोर्ट में होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ से कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर क्लर्क का तो पेपर हो गया, ये क्लर्क मैं बात कर रहा हूँ जो हाई कोर्ट में अनाउंस हुई थी, ठीक है। अभी जो रिक्रूटमेंट बच्चों को मिली है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मिली है। और अगर बात की जाए एसपी और पीए की दिल्ली हाई कोर्ट में, मैंने इन दोनों के रिगार्डिंग अपडेट दिया था आपको आज से 5-6 दिन पहले कि आप लोगों के पास सिर्फ जून है बिकॉज जुलाई में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया था, ठीक है बच्चों। तो लर्न श्योर से जुड़ने का सबसे बेनिफिट ज्यादा ये रहेगा, आप लोगों के पास अपडेट जो आएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक आएंगे। हो सकता है आपके पास एक महीने तक शायद टेलीग्राम के चैनल पर कोई भी अपडेट ना आए बिकॉज कोई ऐसा अपडेट होगा नहीं, लेकिन जब भी कोई अपडेट आएगा तो वो ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें कोई भी ऐसी येलो प्रेसिंग नहीं की जाएगी कि आपके व्यूज और आपके ज्यादा सब्सक्राइब या ज्यादा फॉलोअर का, ऐसा कभी मैंने नहीं बोला। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अगर जितनी भी वैकेंसीज है और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया और जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिले और सही अपडेट मिले, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपका जो अपडेट की बात करें तो आज आपका अपडेट आया है एसपीए का। क्या अपडेट आया, देखो इस पूरे नोटिफिकेशन में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो काम की सिवाय इस डेट के, उन्होंने और कुछ नहीं बताया आप लोगों को। आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो डेट है वो 2nd of July, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों के पास सिर्फ जून था और वही बात बिल्कुल अब प्रूव हो गई कि आपके पास सिर्फ जून था, जुलाई में आपका एग्जाम अनाउंस हो गया है स्टेज वन का टाइपिंग का, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, तो ऊपर तो बस ये बता रखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू किया था 6 मार्च 2023 को, उसके स्टेज वन की डेट नीचे दी गई है। और इसके जो नीचे लिखा हुआ है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, देखो इन्होंने लिखा है कि अगर आपको ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ मिलेगा, या तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट के पब्लिक नोटिस में जब जाएंगे और उसके अंदर आप जॉब ओपनिंग्स में जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, अगर आप इसको अभी वेबसाइट पर जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट की तो शायद आपको अभी नहीं मिलेगा बिकॉज अभी अपडेट नहीं किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अपडेट नहीं किया, लेकिन हाँ एनटीए जो है एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट पे नहीं हुआ अपडेट, लेकिन अपडेट हो जाएगा आज शाम तक या रात तक, नहीं तो कल आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि एनटीए का है और बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का एग्जाम 2nd of July को अनाउंस हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपके पास सिर्फ 15 से 17 दिन है। अब इसमें आप टाइपिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो मैं आपको अभी यही बता देता हूँ। देखो और मैं क्यों बता सकता हूँ, ऐसी क्या मतलब क्या मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं आपको टाइपिंग का अपडेट दे सकता हूँ? यस बिल्कुल, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने दिल्ली हाई कोर्ट जेजे के रिगार्डिंग पूरा बैच बनाया था, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, इवन एकमात्र ऐसा सेंटर जिसने चारों टीयर की एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी वो लर्न श्योर ही था बच्चों, ठीक है। तो वहां पर जो टाइपिंग हमने देखा और उससे बहुत सारी चीजें जानी, उससे पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देखा और उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का फिर देखा, तो हमारे पास अपडेटेड चीजें हैं और हमें पूरा वास्ट एक्सपीरियंस है हर चीज का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो जो आपका टाइपिंग हुआ था, बात करेगा दिल्ली हाई कोर्ट की जेजे की पोस्ट का, तो बच्चों जो जेजे की टाइपिंग हुई थी वो 40 तो थी नहीं, 35 थी, लेकिन जो टाइपिंग हुई थी बच्चों वो हुई थी पेपर टू स्क्रीन। क्या हुई थी आपकी टाइपिंग? पेपर टू स्क्रीन हुई थी, ठीक है बच्चों। तो मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को जो भी कोर्ट की तैयारी कर रहा है उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए पेपर टू स्क्रीन के लिए, ठीक है बच्चों। पेपर टू स्क्रीन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर भी आपको पेपर से ही लिखना होगा ज्यादातर, बट स्टिल कभी भी तैयारी करो टाइपिंग की कोर्ट के लिए। मोस्टली अगर मैं कोर्ट की जब जो ये बच्चा पूछता तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग करनी है, कभी भी स्क्रीन टू स्क्रीन को हमेशा ऐसे रेशियो रखो 4:2 का। अगर आप 4 टेस्ट लगा रहे हैं पेपर टू स्क्रीन के, तब आप 2 टेस्ट लगाएं स्क्रीन टू स्क्रीन, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये रेशियो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 2 टेस्ट पेपर टू स्क्रीन के तभी 1 स्क्रीन टू स्क्रीन का लगाएं। अगर आप ऐसी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10 मिनट के 4 सेट अगर आपने पेपर टू स्क्रीन लगाए तो आप 10-10 मिनट के 2 टेस्ट आप स्क्रीन टू स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपने डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रखी होगी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। बट अभी अपडेट ये है कि आपका जो जेजे में तो 35 थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 40 थी जेजे के टाइम पे, ठीक है, लेकिन वहां पर काफी चीजें प्रॉब्लम आ गई थी। बट ध्यान रखना
जेजे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अभी आप आपके एसपीए के बारे में बात करें, एसपीए की जो टाइपिंग स्पीड है बच्चों वो 40 है। तो अगर आपका टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन ये कंडक्ट कराते हैं, जिसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है, बट स्टिल हम दोनों के लिए तैयार रहेंगे। देखिए हमें हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तरीके से तो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, जो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग हो चाहे स्क्रीन टू स्क्रीन। अगर जिस भी बच्चे की टाइपिंग स्पीड 50 अबव है तो उसको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज 50 अबव है तो इजीली स्क्रीन टू स्क्रीन तो आराम से वहां पर भी 48, 47, 45 तक निकाल देगा वो, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए पेपर टू स्क्रीन की, पेपर टू स्क्रीन में जो आपकी एक्चुअल नेट स्पीड होती है उसकी 5 से 6 की स्पीड कम हो जाती है पेपर टू स्क्रीन की। जैसे अगर मान लो मेरी स्पीड 50 है स्क्रीन टू स्क्रीन, जब मैं पेपर टू स्क्रीन जाके बैठूंगा तो मेरी 6 से 7 की स्पीड कम होनी ही होनी, ये मेरी श्योरिटी है। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं टाइपिंग का, तो वहां पर प्रेशर भी होता है थोड़ा सा, डिपेंड करता है पूरी सिचुएशन के ऊपर, बट जनरली 5 वर्ड पर मिनट की रिड्यूसमेंट हर बच्चे को देखने को मिलती है। अगर आपकी जो भी स्पीड स्क्रीन टू स्क्रीन आ रही है उससे 5 की स्पीड वहीं कम हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर आपकी स्पीड 50 प्लस आ रही है तो भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको एटलीस्ट 1 आवर प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की, जिसमें आपके वही रेशियो रखनी है, आपको 4 सेट लगाने हैं किस चीज के, 4 सेट 40 मिनट हो गए, 4 सेट आपको पेपर टू स्क्रीन के लगाने हैं और जो 2 सेट है 20 मिनट वो आपको स्क्रीन टू स्क्रीन लगानी है, ठीक है बच्चों। अगर आपकी स्पीड 50 से कम है, अब वो 50 से कम 40 से 50 तक की स्पीड है, तो मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट 2 आवर की टाइपिंग प्रैक्टिस करें आप, उससे ज्यादा करें तो और बेटर है, ठीक है बच्चों। तो 8 टेस्ट आपको लगाने चाहिए कम से कम पेपर टू स्क्रीन के डेली, और आपको 4 टेस्ट लगाने चाहिए कम से कम स्क्रीन टू स्क्रीन डेली, तब जाके आपके पास 15 दिन में थोड़ा सा बूस्ट आ जाएगा। और अगर एक बार आपने स्पीड अपनी देख ली स्क्रीन पर नेट स्पीड 50 अबव, तो आपके पास डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे 50 अबव है तो वो एक उनको भी 1 आवर कम से कम प्रैक्टिस करनी है बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं आपको एटलीस्ट 1 आवर प्रैक्टिस करनी है फॉर श्योर श्योर सिलेक्शन। जिनके 60 प्लस है वो बेशक 30 मिनट के सेट लगा सकते हैं, एक दो तीन ऐसे सेट लगा सकते हैं, उनके लिए इनफ है, वो अपना स्किल पर ज्यादा फोकस रखें क्योंकि स्किल भी जल्दी होगा इसके बाद। तो आपके लिए अभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का होना चाहिए कि हमारी जो स्पीड है वो एटलीस्ट 50 घर पर आनी ही आनी चाहिए, तभी हम वहां पर 40 निकाल पाएंगे। अब कुछ बच्चे हमेशा, जब भी मैं टाइपिंग की अपडेट बनाता हूं वीडियो, बच्चे हमेशा बोलते हैं सर आप तो डिमोरलाइज कर रहे हो कि अब मान लो कोई बच्चा 42 पर है, अब मैं उसको बोलूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो रियलिटी है कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज 42 वाले को 40 निकालना तो इम्पॉसिबल है, नहीं निकाल सकता भाई वो स्क्रीन टू पेपर टू स्क्रीन। हाँ, बहुत दिन रात मेहनत करेगा और जब आपकी 50 आ जाएगी तब वो बच्चा आराम से पेपर टू स्क्रीन 40 निकाल सकता है, लेकिन अगर 42, 43, 44 है तो बहुत ज्यादा रिस्क पे खेल रहे हो आप लोग। इसलिए मैंने हमेशा से बोला है जिस भी बच्चे को कोर्ट की तैयारी करनी है उसको हमेशा टाइपिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, और दूसरा इंग्लिश और जीके सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। जो बच्चा इंग्लिश जीके और टाइपिंग को प्रायोरिटी रखेगा उसका कोर्ट का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अभी मेरी एडवाइस ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया है, 50 प्लस वालों को एटलीस्ट 1 आवर करनी है, 40 to 50 वालों को कम से कम 2 आवर करनी है, 60 प्लस वाले आधा घंटा लगा सकते हैं, 2-3 सेट डेली के लगा सकते हैं, दैट विल बी इनफ रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको। हाँ, जो आपकी टाइपिंग होती है बच्चों पेपर टू स्क्रीन टफ हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। हाँ, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर वर्ड कैसा आएगा, लीगल आएगा कि बहुत टफ आएगा, देखिए मैं आपको जनरली बता रहा हूँ एकदम टफ भी नहीं आएगा एकदम इजी भी नहीं आएगा। जैसे क्लैरिफिकेशन हो गया, बड़े जो वर्ड होते हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, कैंडिडेट्स हो गए, एकदम प्रॉपर लीगल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट स्टिल ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट, बट बड़े वर्ड जरूर आएंगे इसमें कोई शक नहीं, बड़े से बड़े वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट बिल्कुल लीगल नहीं होगा, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, देखो बच्चों अब मेरे लिए आप लोगों के पास क्या है, देखो मेरे लिए आप लोगों के पास बिल्कुल एक अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए अपडेट क्या है, अपडेट सिंपल सा है। देखो बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोर्ट की और आपका टारगेट है दिल्ली हाई कोर्ट को, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखो हमें आप फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर, लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप इस पर फॉलो करेंगे तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा और ऑथेंटिक अपडेट हमेशा मिलेगा, ये तो श्योरिटी है, गारंटी है इस चीज की, लिंक ये नीचे दे रखा है आप सर्च कर सकते हैं इसको। हाँ, जो भी बच्चा, अब देखो जिन बच्चों को लगता है कि वो टियर 1 क्लियर कर देंगे, मतलब स्टेज 1 टाइपिंग की क्लियर हो जाएगी, जिन्होंने पहले क्लियर कर रखे हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। उसके बाद जो बच्चों को पता है कि हम स्किल भी निकाल देंगे, उनके लिए बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अगर आपको पता है कि आपकी टाइपिंग 50 प्लस है तो आपको लग रहा होगा कि आप निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। आपकी स्किल की स्पीड भी अगर 100 प्लस और ज्यादा अच्छी स्पीड है तब भी आपको लग रहा होगा स्किल निकल जाएगा। तो उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बच जाएगा, वो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम,
और डिस्क्रिप्टिव आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर आप कुछ भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं कर सकते, बट आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए डेफिनेटली हमारे पास एक ऑलरेडी बैच बना हुआ है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, कोर्ट शाला ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको मल्टीपल कोर्स दिख जाएंगे कोर्ट के, सिर्फ कोर्ट के उसमें सारे बैचेस मिलेंगे आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए जेसीए का बैच चल रहा है, पीए एसपीए का बैच चल रहा है, इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के लिए क्लर्क का चल रहा है, तो सारे कोर्ट के बैचेस चल रहे हैं। अभी जो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, देखो बच्चों अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके 100 मार्क्स जो होंगे ना टेल वन टीयर वन और टीयर टू के बाद आपका जो मेन एग्जाम हो डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव में अगर जो बच्चा स्कोर कर जाएगा डेफिनेटली उसका सिलेक्शन पी ए एस पी में बिल्कुल हो जाएगा। तो उसके लिए आपका पूरा एक प्रॉपर बैच बनाया जा चुका है, प्ले स्टोर पर जाइएगा वहां से एनरोल कीजिए अपने आपको, 6 मंथ्स की वैलिडिटी रखी गई है, पूरे पूरे चांस है 6 मंथ में ही हो जाएगा, अगर नहीं होता तो उसके बाद भी मैं आपको मॉक टेस्ट जरूर प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम के ग्रुप पर। वैसे अगर 6 मंथ के अंदर हो जाएगा तो सारी चीजें आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, ठीक है, बट अगर मान लो 6 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो कोर्स तो आप पूरा कर सकते हो कवर, लेकिन जो आपका मॉक टेस्ट है जो कि मैंने आपको 15 मॉक टेस्ट कराने हैं पंजाब एंड सॉरी जो आपको 15 मॉक टेस्ट में कवर कराऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट के पी एस पी ए के लिए, तो वो आपको अगर 6 मंथ से पहले एग्जाम वैसे तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो आपको बाद वो प्रोवाइड करा दी जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए इस बैच को फॉर डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, इसी वजह से जेजे का जो हमारा रिजल्ट रहा था इतना पॉजिटिव रहा था बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है बच्चों, ज्वाइन कीजिएगा डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, आपका एग्जाम का पैटर्न ये रहने वाला है बिल्कुल एग्जाम पूरा पूरा प्रॉपर हम अभी से आपको दिखा देता हूँ, देखो ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, तो फिर फॉलो कीजिए बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू सो मच।